नमस्कार, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी। ये जो वीडियो मैं लेके आ रही हूँ सिर्फ एडीजी एग्ज़ाम के लिए है। एडीजी के एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। जब हम बात करते हैं एडीजी के एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले जब हम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, तो हम सीनियर्स होते हैं या जॉब में होते हैं या बहुत सारा वर्कलोड होता है हमारे पास, और कई बार हम ये नहीं कर पाते, लेकिन कई बार सपने देखते हैं कि एडीजी करना चाहिए, राइट। लेकिन कई बार समय सपोर्ट नहीं करता है, तो कई बार फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो कई बार फैमिली में इतने आपके पास बर्डन होता है आप नहीं कर पाते हैं। ये सब चीज़ें आपकी जगह बिल्कुल सही है। तो हमने जो एडीजे का बैच चलाया वो हमारा मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग 5:30 से 7:30, यानी अर्ली मॉर्निंग कह देंगे इसको, अर्ली मॉर्निंग। ये जो क्लासेस हैं ये लाइव क्लासेस चलती हैं। कई बार मुझे फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि पेन ड्राइव कोर्स हैं क्या, रिकॉर्डिंग है क्या। सर, ये रिकॉर्डिंग और पेन ड्राइव कोर्स के कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगी। जब आप लेके अपने घर पे रख लेते हैं, वहाँ उसके लिए भी 30,000-35,000 दे रहे हैं, 20,000-25,000 दे रहे हैं, वो भी कम नहीं है, वो दे रहे हैं। बट वो लेके इकट्ठा करके घर पे रख लेते हो, नहीं होती पढ़ाई, क्योंकि टाइम ही तो नहीं मिल रहा है। इस क्लास के बहाने आप रोज़ क्लास में आके बैठेंगे। सबसे पहली बात, पूरा टू वे कम्युनिकेशन, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपसे बात करते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और जब सारे एडीजे लेवल के हैं तो हाई लेवल के, मतलब सारे सीनियर्स हैं, तो डिस्कशन भी, हेल्दी डिस्कशन भी हो जाता है। और आपको एक मोटिवेशन मिलता है जब दूसरे को देखते हैं, अरे इसको ये आता मुझे नहीं आता, अरे इसको ये याद हो गया मुझे क्यों नहीं आता है। इसके साथ साथ ही साथ आपको नोट्स बना के भेजने होते हैं, लगभग चर्चा कर लेते हैं। लगभग हम पहली प्रायरिटी हमारी ये रहती है कि हम एडीजे पॉइंट ऑफ व्यू करें। कई बार हमें लगता है कि नहीं, इसके आसपास वाले भी पता होना चाहिए, तो वो भी करते हैं। तो ये जो क्लास है, जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, जो ऐप पे चलती है, इसमें जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है वो है कंटिन्यूटी। क्योंकि मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, आप मेरे से वैसे सीनियर हैं, क्योंकि मेरा अभी तक एडीजे एग्ज़ाम देने के लिए मेरा क्वालिफिकेशन ही क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको सब कुछ आता है, मैं सिर्फ एक जरिया हूँ। आपको जो सब कुछ आता है उसको कैसे एक वे में आप पिरो सकते हैं और कैसे आपकी कंटिन्यूटी बनाई जा सकती है। हाँ, फीस लेती हूँ, आप भी वकील, मैं भी वकील, और वकील वकील को फीस नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आप क्लाइंट से फीस लेते हैं, मैं अपने स्टूडेंट से। मुझे आज भी याद है जब हमारा एडीजे का बैच चलता है, मुझे सर ने कहा, इवन एक मैम ने भी कहा जो पोस्ट पे है, कि मैम आप में वो क्वालिटी है कि आप हमसे पैसे निकला रहे हो, वकीलों से और जजों से पैसे कौन निकला सकता है। तो वक्त वो नहीं है, मैं जस्ट पढ़ाती हूँ, और हाँ मेहनत के पैसे लेनी पड़ेगी। सुबह 5:30 उठना और पूरा दिन अपने आप को चलाना, और फिर समझ गए ना, फीस तो लेनी पड़ेगी मुझे। तो बात आती है जो फीस की, तो कई बार होता है कि इस जगह पे आप जा खड़े हो, आपके पास आपकी फैमिली की जिम्मेदारियां भी हैं, तो कई बार फीस ज़्यादा लगती हैं। लेकिन जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसके आगे फिर मुझे उस हिसाब से करना होता है, राइट। तो इसकी जो पहली बात आती है कि ये लाइव क्लासेस है, टू वे कम्युनिकेशन है, हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कंटिन्यूटी बना सकते हैं, इवन कई बार तो मैं चीज़ें याद भी करवा लेती हूँ। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाता है डिस्कशन क्लास के लिए। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु बगरट्टा, मैं वर्ष 2007 से वकालत का कार्य कर रहा हूँ और लगातार करता चला आ रहा हूँ। जब लॉकडाउन लगा तो अचानक से केस वर्क बिल्कुल बंद हो गए, कोर्ट जाना बंद हो गया, तो मैं ऑफिस बैठे बैठे यूट्यूब चैनल देख रहा था, जिसमें मुझे एक वीडियो SULC क्लासेस का मैम उर्मिला जी का दिखाई दिया, जिसको मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सर्वप्रथम उनका रेंट ट्रिब्यूनल देखा था, और रेंट ट्रिब्यूनल इससे पहले मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन जिस प्रकार से मैंने पढ़ा था वो उतना सही नहीं था, क्योंकि मैंने जो रेंट ट्रिब्यूनल पढ़ा था वो केवल वकालत के उद्देश्य से पढ़ा था। मैंने मैडम के चारों वीडियो जो उन्होंने अपलोड किए थे वो देखे, उससे मुझे लगा कि मैं भी शायद जुडिशरी की तैयारी कर सकता हूँ हायर जुडिशरी के लिए। तो मैं प्रत्यक्ष रूप से मैडम से लगातार पिछले 3 महीने से जुड़ा रहा, फिर मुझे लगा क्यों ना मुझे रेगुलर जुड़ने के लिए ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की जाए। मैंने मैडम को टेलीफोन किया, मैडम बड़ा ही नेचर जो था मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा था। जब मैंने वो सीखा और
उनसे समझा जाना कोचिंग के बारे में, तब मैंने वहाँ पर फीस डिपॉजिट कराई और उनसे मैं पिछले एक महीने से लगातार प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गया हूँ। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के ये भ्रांति है कि पता नहीं कि हमको ढंग से पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन कन्वर्सेशन इस प्रकार से होता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हम मैडम के सामने क्लासरूम में नहीं बैठे, ऐसा लगता है बिल्कुल सामने बैठ के ही क्लासेस हो रही हैं। मैं मेरे जैसे कई भाइयों से निवेदन करूँगा कि आप SULC क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और एक बार प्रयास कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हमारा सिलेक्शन ADJ में हो, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से मैडम पढ़ा रही हैं, जिस तरीके से मैडम एक एक सेक्शंस को कोरिलेटेड करके पढ़ाती हैं, उससे ज़रूर ये हमारी जो कोरिलेशन की टेक्निक है वो विकसित होती है, जो हमारे वकालत के प्रोफेशन में भी काम आ सकती है। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करूँगा कि SULC क्लासेस ज्वाइन कीजिए और अपना भविष्य यदि ADJ क्लासेस के लिए या RJS क्लासेस के लिए करना चाहते हैं तो उसमें अपने आप को आगे बढ़ाएं। मैं आभारी हूँ मैडम का कि मैडम ने मुझको, क्योंकि उनकी क्लासेस के अंदर बहुत लिमिटेड क्लासेस के अंदर लिमिटेड बैच रहती हैं, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे उसमें रखा। तो इसलिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि SULC क्लासेस से आप जुड़िए। धन्यवाद। उसके बाद आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता है जिसके अंदर आपको दिया जाता है, क्या बोलते हैं, एक टाइम टेबल दिया जाता है। उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप सब जन आपस में डिस्कस करके उसको टारगेट फिक्स ही करेंगे। इसके अलावा आपको आधे घंटे पहले बुलाते हैं, यानी 5:30 का टाइम, हम 5 बजे बुला लेते हैं आपको, और 5 से 5:30 आज जो पढ़ाने वाले पूरा रीडिंग कराते हैं। क्योंकि कई बार आप जो है पढ़ते तो हैं पर डायरेक्टली पढ़ा जाता है, जब आप 4 दोस्त डिस्कशन के लिए बैठते हैं तो बातें कहीं से कहीं चली जाती हैं। आपने कहीं बार ट्राई किया होगा ग्रुप बना के पढ़ने का, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि वो समय आपका फालतू चला गया, आपको जो एग्जैक्ट पढ़ना था वो नहीं पढ़ पाए, एक छोटे से सेक्शन के लिए बिना मतलब के 100 बार अपने मुद्दे कर लिए, तो इस वजह से कुछ कंटिन्यूटी नहीं हो पाई। कभी एक दोस्त नहीं आ पाया, कभी दूसरा नहीं आ पाया, कभी तीसरा साथी नहीं आ पाया, तो हर बार आपने सोचा रह गया। और मेरा ऑनलाइन क्लासेस चलाने का जो सपना था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी 2019 के अक्टूबर में, तो मैंने एक ट्रायल किया क्योंकि मेरा एक सपना था कि मुझे ADJ का क्लास चलाना है। और मेरे को ये भी पता था मुझे ADJ का क्लास मॉर्निंग में चलाना है, क्योंकि एडवोकेट्स जो होते हैं वो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने का समय फिक्स है, 9 बजे घर से निकलना है, कोर्ट जाना, देन ऑफिस जाना है, पर ऑफिस से आने का टाइम फिक्स नहीं। कभी 9 बजे आ जाएंगे, कभी 10 बजे जाएंगे, कभी रात को 11 बजे जाएंगे, कभी 7 बजे आ जाएंगे। और अगर मैं उनका क्लास का टाइम 7 से 9 भी रख दूँ, 8 से 9 भी रख दूँ, और अचानक से क्लाइंट आए, वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन मॉर्निंग में उठते ही उनके पास कोई नहीं आएगा, उनके पास उनकी किताबें होंगी, और उन्होंने एक सपना देखा था कभी मुझे भी ADJ बनना चाहिए, वो सपना साकार होने के उनके चांसेस 100% हो गए। तो मैंने स्टार्ट किया था अक्टूबर 2019 में अपने ADJ के बैचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, एक ट्रायल किया था। जो बैच चलाया था मैंने JLO के वाला, मैंने एक JLO का बैच चलाया था जिसमें मैंने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लिए, क्योंकि उस समय हम सीख रहे थे नेटवर्क कनेक्टिविटी, क्योंकि हमारा शुरू से ही था हमें लाइव चलाना है, हमें वीडियो नहीं देना है, हमें घर में भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। बहुत सारे लोग हैं आते हैं मेरे पास, कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है ऑनलाइन क्लासेस, वो कहते हैं मैम हमने वीडियो ले वो यूजलेस है, हमने कभी खोल के नहीं देखे, हमने पेनड्राइव कोर्सेज लिए खोल के नहीं देखे, वो पढ़े ही हैं नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा पीछे डंडा लगा रहता है, ये क्या का मैसेज आएगा, आज के नोट्स कहाँ हैं, आज की PDF कहाँ हैं। तो और इवन आपको मौका दिया जाता है, आप बोलिए, आप बताइए, आपसे रीडिंग तक कराया जाता है, क्योंकि खुद रीडिंग नहीं कर पाते तो नींद आ जाती है, तो इसलिए मैं रीडिंग कराती हूँ, अन्यथा पूरे दिन पढ़ो, आप ट्राई कर लो, आप एक एक्ट आधा ही पढ़ पाएंगे, लेकिन यहाँ क्या फ़ायदा होगा, आप उसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एक चीज़ आप उसको देख पाएंगे, प्लस उसको याद भी करेंगे, राइट। तो फिर हम लोगों ने 2019 अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया था JLO का, वो बैच मेरा चला था, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे, हमने कनेक्टिविटी को पूरा ढंग से सीखा, आखिर कनेक्टिविटी है क्या। देन फाइनली करते करते 3 जनवरी 2020 को मैंने लोअर जुडिशरी की क्लासेस भी ऑनलाइन कर दी, लोअर जुडिशरी की क्लासेस भी ऑनलाइन चलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस COVID-19 की वजह से नहीं स्टार्ट हुई, मेरी ऑनलाइन क्लासेस पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो हमारे यहाँ पे फिर मैंने जो मेहनत किया, तो मॉर्निंग में मेरा ऑनलाइन क्लास चलता था, फिर मेरा ऑफलाइन क्लास चलता था, फिर इवनिंग में वापस एक ऑफलाइन क्लास चलता था, और लेट इवनिंग में मेरा वापस ऑनलाइन क्लासेस चलता था। ऐसे करके मेरा ऑनलाइन क्लासेस 3 जनवरी 2020 से ही लोअर जुडिशरी स्टार्ट हो गई। देन सर्कमस्टेंसेस बदले, पूरे संसार में, नॉट ओनली इंडिया, पूरे संसार में एक ऐसी बीमारी आई जो कोई समझ ही नहीं पा रहा कि ये है क्या।
इस बीमारी से हो क्या रहा है, क्या ध्यान रखना चाहिए क्या नहीं, और परिस्थितियाँ बदली और सभी इंस्टीट्यूट को, स्कूलों को एक मजबूरी के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा, क्योंकि बीमारी से हम अपनी पढ़ाई को रोक नहीं सकते। तो मैं पहले से चल रही थी, फिर मैंने स्टार्ट किया। इसी दौरान जब कोरोना आया तो कुछ एडवोकेट्स को समय मिला, उनको लगा नहीं अब हमें करना चाहिए, अन्यथा तो उनको समय होता ही नहीं है। तो कुछ एडवोकेट्स मेरे यूट्यूब से जुड़े, उनको लगा रहे हाँ हम पढ़ सकते हैं, हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ना स्कूल की तरह पढ़ाया जाता है, इवन ये कह दो माँ की तरह पढ़ाया जाता है, जैसे माँ कैसे एक चीज़ सिखाती है बिल्कुल वैसे ही सिखाते हैं, बिल्कुल आराम से चलता है, कोई हौच पौच नहीं, कोई फास्ट नहीं होता है, आराम से हम चलाते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास इतना समय है, हमें करना है, क्योंकि हमें 100% करना है, हमें करना ही नहीं है, हमें 100% करना है। तो उस हिसाब से हम लोग अपने स्टडी की करते 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 फिर कोरोना आने की वजह से फिर बैचेस चलते हैं और फाइनली मेरा ADJ का बैच स्टार्ट हुआ। तो मेरा जो ADJ का बैच स्टार्ट हुआ वो हुआ मेरा 15 मई को, यानी 15 मई को मेरा ADJ का बैच स्टार्ट हो गया। फिर हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात क्या, एवरी मंथ बैच स्टार्ट होता है। इस एवरी मंथ का क्या फंडा है, फंडा ये है कि जब हम एक टारगेट लिख के चलते हैं, किस टारगेट को हमें यहाँ कंप्लीट करना है, वो टारगेट जहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है वहीं से बैच स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता कि एक ही समय में सब एक साथ नहीं पहुँच सकते। तो हम लोगों ने इसको कर देते इजी रख लिया है कि आराम से हर महीना पाइए, आपने जिस दिन ज्वाइन करना है उसी दिन से आपका क्लास स्टार्ट होगा। पहले क्या हुआ उससे आपको कोई मतलब नहीं, आप तो उसी दिन से स्टार्ट हुआ जिस दिन आपने ज्वाइन किया, बाकी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ऐसे करके हमारे बैचेस चलने लगे। अब फिर से ADJ का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से। कब हो रहा है न्यू बैच स्टार्ट ADJ का, 1 अक्टूबर से। तो ये इसीलिए मैं लेकर आई हूँ कि कहीं सारे असमंजस हैं, कई बार आप आना चाहते हैं, पूरा मन बना लेते हैं, इतने में किसी से आपसे बात होती है, अरे यार हम बैठ के पढ़ लेंगे, तुम क्यों चिंता कर रही, हम आपस में कर लेंगे, फालतू तो क्यों पैसे खर्च करना है, अब रोज़ उठ जाएंगे, और करते करते उनके चक्कर में एक एक बैच आपके हाथ से निकल जाता है, एक एक महीना आपके हाथ से निकल जाता है, और वो 15 दिन पढ़ते हैं फिर सबके एक जैसे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें जज बनना है, हमें जज बनना है, लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे, लोगों का कहाँ मैं कहना, आप जब जाना चाहते हैं आपको चार लोग रोकेंगे वहाँ मत जा, इसका मतलब क्या हुआ, आपने सोचा कोई और आया, जिस दिन ज़िंदगी में किसी और का कहना सुनना बंद कर दोगे ज़िंदगी सफल हो जाएगी, ये गारंटी, मेरे ये अनुभव हैं, मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है कि किसी और को सुनना बंद ही कर दो, वो कहता है ये है इट्स ओके, वो कहता है ये है ठीक है, मैं तेरे साथ भी पढ़ लूँगी, मैं मेरा भी पढ़ लूँ, नुकसान क्या है, हम दोनों पढ़ लेते ना, पर मेरे पास पैसे हैं, मुझे बनना में चले जाते हो, तेरे को नहीं जाना तू मत जा। अगर आप मेरे पास ज्वाइन कर लेते हो फिर आपके उस दोस्त को पता चलता हो क्या कहेंगे, मैम पढ़ाती नोट्स दे देना मेरे को, मैम पढ़ाती पेपर दे देना, फिर कल तक तो मैम के पास तुम्हें जाने के लिए रोक रहा था, आज तुम्हें मैम के नोट्स भी चाहिए पेपर, इसका मतलब समझे आप, उसके चक्कर में आपने 4 महीने खराब कर दिए, उसके चक्कर में दूसरे का 10,000 रुपीज़ खर्च कर दिए, 20,000 कम पैसे दे के चले गए, टाइम गया पैसा फिर कमा लेंगे आप, कम पैसों के चक्कर में टाइम जाता है ज़िंदगी का, लेकिन ये हमें समझ में तब आता है जब 4 महीने चले जाते हैं, जब पहला अटेम्प्ट चला जाता है, सिलेक्शन नहीं होता, तब एक दुख होता कि उस दिन क्यों उसकी बात सुने। तो जब आपने मन बना लिया आप अपना सुनो, दुनिया क्या कहती है उनको भी सुनो, बट उनको साथ लेके चलो, उसको इग्नोर करो, अपना काम करते रहो, उनके साथ भी बैठो अपना काम भी करो, मत बताओ उसको मैं जाती हूँ, आफ्टर सिलेक्शन बता देना मैं गई थी, फिर वो भी कह गए अच्छे तो बताया क्यों नहीं, बोला तेरे को बताऊँ क्यों, तो जब जाती हूँ तो हमेशा रोकते रहते हो, तो हमने सोचा इस बार बिना बताए काम कर लेती हूँ, कई बार होता ना बिना बताए भी करना पड़ता है, राइट। तो हमें जज बनना है तो हमें ज्वाइन करना है, लोग ज्वाइन करते हैं नहीं, वो ज्वाइन करेगा नहीं, उसे हमें किसी से मतलब नहीं, हमें करना है। और हमारा न्यू बैच ADJ का स्टार्ट हो रहा है फिर से 1 अक्टूबर 2020 को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ती है 500 रुपये। जब वो दे देते हो 3 डेज आप क्लास में बैठोगे, आपको लगता है यस आपको सब कुछ समझ आ रहा है, आप मैनेज कर पा रहे हैं, देन फीस सबमिट करनी। फीस कितनी है, मैंने फ़ीस बढ़ा ली अक्टूबर से, पहले फीस कम थी अभी अक्टूबर से बढ़ाई है। फीस कितनी है, फीस के बारे में जानने के लिए कि आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको सारे पैम्पलेट मिल जाएंगे, आप उसको आराम से समझ लीजिएगा। फीस कैसे पे करनी है वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और ADJ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ADJ के लिए हमारे पास सिर्फ क्लासेस अवेलेबल है, और क्लासेस के साथ टेस्ट है। अभी ADJ के कोई टेस्ट नहीं शुरू की, उसका रीज़न ये ना कि बहुत सारे ADJ एग्जाम है, हर इंसान हर जगह का ADJ देता है, तो अभी हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं की, करेंगे अगर जैसे समय हमारे मैनेज होता है हम जल्दी से ऑनली टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, समय लगेगा पर कितना ये हम बताएंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। नमस्ते, मैं एडवोकेट विजय गुरावा ब्रजलालपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू राजस्थान से, मैं SULC का ADJ कोर्स का स्टूडेंट हूँ। मैडम डायरेक्टर उर्मिला राठी
बहुत ही गजब का पढ़ाती है। मैं उनका वीडियो यूट्यूब पर जनवरी 2018 से देख रहा हूँ। उनका पढ़ाने का अंदाज़ ही बहुत गजब का है। मैडम ने जब से उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया है तब से मैं उनके वीडियो देख देख कर अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। मैंने इनको वीडियो देखकर फर्स्ट टाइम देखा तो ये ऐसा लगा कि वाह, ऐसा कौन पढ़ा सकता है, कोई पढ़ा ही नहीं सकता। मैडम ने वो कर दिखाया। उनके वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देखकर मैंने प्री 2019 पास की। ये उनके वीडियो देखकर मैं एग्ज़ाम दे के आया और अच्छा स्कोर हुआ, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया। मैडम का पढ़ाने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। वो हर बच्चे को देखती है कि किस इसमें क्या कमज़ोरी है, किस हिसाब से पढ़ रहा है, कमज़ोरी उसको दूर करती हैं, उनसे पूछती हैं, बात करती हैं, खुद बात करती हैं, बच्चों से फीस लेती हैं। जितनी फीस लेती हैं उससे दुगुना मैडम बच्चों को देती है। लोगों को लगता है कि मैडम बहुत ज़्यादा फीस ले रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो देती हैं, पढ़ाई करवाती हैं, मेहनत करती हैं, बच्चों से करवाती हैं। आज उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ कानून में। हमें नहीं पता पहले कि कानून कैसे पढ़ाया जाता था, आज बहुत पढ़ाने का तरीका आ गया। उनको बच्चों देखकर हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम कानून कोर्ट को बता सकते हैं। हमें अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं खुद और जो इनसे पढ़े हुए बच्चे हैं वो खुद कहीं पे जाके बोल सकते हैं हम SULC के स्टूडेंट हैं, हम उर्मिला मैम के स्टूडेंट। कुछ बच्चे इनके बारे में अफवाह बतलाते हैं, फीस वापिस करने की बात करते हैं। मैं उनको कहता हूँ, बड़े दुर्भाग्यशाली हो आप, बड़े दुर्भाग्यशाली हो आप, इन मैम की पढ़ाई से वंचित हो गए। आप मैम का सितारा, मैम का सूरज आज पूरे देश में चमक रहा है। जिस हिसाब से हर क्रिकेटर ये सोचता था कि एक दिन मैं सचिन तेंदुलकर के साथ खेलूं, उसी हिसाब से आज हर बच्चा ये सोचेगा कि मैं उर्मिला मैम से पढूं। मैंने भी उनका अंदाज़ देखा है, मैं खुद उनसे पढ़ रहा हूँ, 3 महीने से पढ़ रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था पहले, मैं अब सोच जता रहा हूँ कि मैंने पहले उनसे कोर्स ज्वाइन क्यों नहीं किया, मैं 2019 में पास आज जैसे पास हो जाता। मैडम के बारे में अंत में ये कहूँगा, आपका पढ़ाने का अंदाज़ बहुत निराला है, आपका पढ़ाने का अंदाज़ बहुत निराला है। आपके साथ साथ हमारा भी समय बदलने वाला है। थैंक यू।